हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में एक बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए, मैं आज ये हेड टू टोज मॉइस्चराइजर बनाई हूँ, जो आप अपने फेस से लेकर के अपने पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। जो हमारे फेस पे जो रिंकल्स आ जाते हैं, रिंकल्स जो आ जाते हैं, झुर्रियाँ जो आ जाती है हमारे फेस पे, जो झाइयाँ आ गई हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, हमारी स्किन अनइवन दिखती है, हमारे हाथों में एज से पहले बहुत को परेशानी होती है कि जो कि मेरे हाथों के जो रिंकल्स हैं वो ठीक हो जाए, हमारे मेरी बॉडी जो है बहुत जो है ड्राई फील होता है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसपे ये रहता है कि मेरी स्किन बहुत अफोर्डेबल क्रीम बताइए जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती हूँ, तो कोई ऐसा क्रीम बताइए जो मैं फेस से लेकर के बॉडी तक यूज़ करूँ, मुझे दो तीन क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये मैं वही क्रीम बनाई हूँ इसमें को, लेकिन स्टार्टिंग में आपको दो तीन सामान मंगाना पड़ेगा जिसमें 100 से बहुत महीनों तक आप यूज कर सकते हो। तो ये सबके लिए है, आपकी बेस्ट मॉइस्चराइजर है ये, आप इजिली यूज कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा इसको बनाने में, सिर्फ 5 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। आप भी यूज करें, आप अपने हस्बैंड को भी यूज करा सकते हो, अपने बच्चे को भी यूज करा सकते हो मींस। और इसका रिजल्ट जो है सो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट 7 डेज इसे यूज कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी बॉडी जो है सो मॉइस्चराइज लग रही है कि नहीं, आपको अपनी बॉडी में ड्राइनेस तो नहीं लग रहा है ना। तो ये सब मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसको बनाते कैसे। तो जो मेरा फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास ये इस ब्रांड का है। तो 1 स्पून मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, 1 स्पून लूँगी। उसके बाद जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है, जो मेरा आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है लिप्टन ग्रीन टी। मेरे पास ये है, आपके पास कोई भी ब्रांड का ग्रीन टी हो तो चलेगा। अब आपको क्या करना है, इस ग्रीन टी को गर्म पानी के अंदर जो है ना एकदम बॉयल पानी के अंदर में आपको इसे छोड़ देना है। और आपको कितना लेना है ये मैं बताती हूँ, 1 कप पानी आपको नहीं लेना है। मैं तो 1 स्पून एलोवेरा क्वांटिटी, आप एकदम बराबर से सुनो, अब मैं तो सिर्फ 1 स्पून एलोवेरा बना रही हूँ ना, 1 स्पून एलोवेरा के अंदर बना रही हूँ। आप क्या करोगे, अगर आप 10 स्पून एलोवेरा जेल ले रहे हो, 10 चम्मच एलोवेरा जेल ले रहे हो, तो फिर आप ग्रीन टी का 2 स्पून डालेंगी, 10 स्पून में 2 स्पून ये डालेंगी आप, मतलब 10 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 चम्मच ग्रीन टी का पानी आप डालेंगी। और अगर आप अपने उसके हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट कम और घटा सकते हो, लेकिन मैं एलोवेरा जेल 1 स्पून ली हूँ इसलिए मैं ग्रीन टी का पानी सिर्फ हाफ का भी हाफ लूँगी। अब आपको ये क्या करना है, मैं ये बता रही हूँ, ये जो आपको पानी बनाना है ना पूरे 1 कप पानी में नहीं बनाना है, आपको क्या करना है सिर्फ जो टेबल स्पून होता है उससे 4 स्पून, जो टेबल स्पून होता है उससे 4 चम्मच आपको गर्म पानी लेना है। उस 4 चम्मच गर्म पानी के अंदर ही आपको ग्रीन टी जो है ना वो उसको बॉयल 4 चम्मच गर्म पानी के अंदर ही आपको ग्रीन टी का पैकेट ऐसे सैसे डालना है। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट पे ना ग्रीन टी हो गया, ये देखिए कैसा दिख रहा है, ये देखिए हो गया। और जो मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप सबको पता है कि ये बेस्ट मॉइस्चराइजर होता है हमारे स्किन में, जो मीन्स मॉइस्चराइजर तो होता ही है, प्लस ये इसके इतने गुण हैं। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जो हो गया है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह अगर आपकी स्किन पे आ गए हैं, तो उन सबको ये ठीक करता है। एलोवेरा जेल आपको पता ही है, एलोवेरा जेल बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है, हमारे करता है। तो आपको अब ये कितना लेना है, आपको लेना है 1/4, यानी कि 1/2 स्पून से भी कम लेना है, ठीक है। अब आपको इन सबको ऐसे मिक्स कर देना।
और आप इसमें जो मेरा जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई का कैप्सूल, तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जो है सो एक लेंगी। अगर आप 10 स्पून या 5 स्पून अगर एलोवेरा जेल लेती हैं, 10 चम्मच या फिर 5 चम्मच एलोवेरा जेल लेती हैं, तब आप उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकती हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे लेना है और इसके अंदर डाल देना है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब लगा सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये है। और ये देखिए रंग देखिए कैसा हो गया, ये बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम हो गया जो। तो ये क्रीम बन के रेडी है, अब आपको इसे लगाना कैसे, बस थोड़ा सा लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम इतू सा क्वांटिटी आपको लेना है। आप अपने फेस पे बस ऐसे हल्का सा, ये बेस्ट नाइट क्रीम है, अगर आप इसे नाइट में यूज करते हैं तो आपको और भी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि इसे नाइट में अपने क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करके सो जाएं, और मॉर्निंग टाइम में डे टाइम में आप इसे पूरे अपने बॉडी पे यूज करें, मतलब जैसे बोलते हैं ना बॉडी लोशन जो यूज करते हैं ना, सिर्फ बॉडी लोशन के जैसा आप अपने पूरे बॉडी पे इसे दिन में यूज करें। बस नहाने के बाद जब आप नहाते हो, आप मेल हो फीमेल हो बच्चे हो या निकलते हैं ना, उसके बाद हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करने की आवश्यकता होती है। मीन्स हम अपने बॉडी पे थोड़ा कोई भी क्रीम एक जरूर लगाना चाहिए, मॉइस्चराइजर है। आप ये बना करके एक स्टोर करके रख लें, आराम से आप 10-15 दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हो, फिर नहाने के बाद आप अपने पूरे बॉडी में इसे लगा लें। 7 डेज में आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।